माहौल बिगाड़ने का प्रयास किया था। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची, सिचुएशन को कंट्रोल में किया। उसके बाद भी कुछ उपद्रवी थे जिन्होंने गलियों में घुस के पथराव किया, पुलिस ने वहां पर उनको खदेड़ा और उस वक्त पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए करीब 18 लोगों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद इस पूरे प्रकरण में करीब 3 FIRें पंजीकृत हुई हैं और उसके अंदर जब ये पूरी इस साजिश को चेक किया गया, जब सारी चीज़ें निकल कर आई तो जो साजिश करता थे उनको आइडेंटिफाई किया गया और उसमें से जो मुख्य थे उनको आज पुलिस ने 12 घंटे से कम में भी समय में तत्काल गिरफ्तार कर लिया है। और ये जो पूरा घटनाक्रम था, इसके अंदर जो गिरफ्तार अभियुक्तगण है, इसके अंदर जिनकी नाम आए थे ये हैं हयात जफर हाशमी, पुत्र रसीदुल जफर, थाना चमनगंज, ये राष्ट्रीय अध्यक्ष MM जौहर फैंस एसोसिएशन के हैं। जावेद अहमद खान, पुत्र इम्तियाज मोहम्मद खान, ये बेकनगंज का रहने वाला है और प्रदेश चेयरमैन MM जौहर फैंस एसोसिएशन। मोहम्मद राहिल, पुत्र अब्दुल, ये सदस्य है MM जौहर फैंस एसोसिएशन। चौथा है मोहम्मद सुफियान, पुत्र साकेत नियासी, थाना बजरिया, कानपुर नगर। ये जब घटना हुई थी उसके बाद से ही हमको इन्हीं के बीच में जो लोग हैं उनसे ह्यूमन इंटेलिजेंस से प्राप्त हुई सूचना कि ये लोग शहर छोड़कर निकल गए हैं। जानकारी में आया कि ये जो जावेद अहमद है इसका एशियन वाइस पोस्ट न्यूज़ ट्यूब चैनल है लखनऊ में, थाना हजरतगंज में। पुलिस को इन्हीं के लोगों के माध्यम से सूचना प्राप्त हुई और उसी में इसी ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर इनको ट्रैक डाउन किया गया और वहां से इनको गिरफ्तार किया गया है। दिनांक 3/6/22 को जो अभियुक्तगण की मुख्य भूमिका सामने आई है, सभी अभियुक्तगण मुकदमा दर्ज होने के पश्चात गिरफ्तारी से बचने हेतु जावेद के AVV न्यूज़ यूट्यूब चैनल के कार्यालय में सेफ हाउस में छुपे हुए थे। क्राइम ब्रांच कमिश्नरेट कानपुर नगर की सूचना पर ह्यूमन इंटेलिजेंस के बेसिस पर उपरोक्त अभियुक्तगण को गिरफ्तार किया गया है, जिनसे कुल 6 मोबाइल फोन बरामद हुए हैं और कुछ दस्तावेज भी मिले हैं जिसकी फॉरेंसिक जांच कराई जा रही है। वर्तमान में इनके बैंक खातों का भी विश्लेषण किया जाएगा कि ये किसी अन्य PFI या अन्य किसी संस्था से रिलेटेड हैं, इस संबंध में जानकारी प्राप्त की जा रही है और साथ ही साथ इनको आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया जाएगा और इनको 14 दिन की रिमांड इनकी ली जाएगी, जिससे कि विस्तृत रूप से जो नेटवर्क है, अभी तक की पूछताछ में इन्होंने करीब 5 या 6 लोगों के नाम बताए हैं, बट इनके पूरे ऑर्गेनाइजेशन, इनके मंसूबों, इनकी साजिशों को जानने के लिए इनसे विस्तृत पूछताछ करने की आवश्यकता है, जिसके लिए न्यायालय से अनुरोध किया जाएगा कि इनको 14 दिन का रिमांड दिया जाए, जिससे कि इस पूरे जो नेटवर्क है, जो साजिश है, उसका पर्दाफाश किया जा सके, जो इसमें पीछे रहे उन लोगों को आइडेंटिफाई किया जाए। मैं ये भी बताना चाहूँगा, ये जो भी दंगाई जिन्होंने शहर का माहौल ख़राब करने का प्रयास किया है, हम लोगों ने, हमें मीडिया के माध्यम से, आम जनता के माध्यम से CCTV फुटेज, साथ में इनके व्हाट्सएप पर जो मैसेजेस चल रहे थे वो सारी चीज़ें हमें प्राप्त हुई हैं, वीडियो प्राप्त हुए हैं, उनके बेसिस पे हम लोग लगातार आइडेंटिफाई कर रहे हैं। करीब 36 के आसपास लोगों को हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं और इसके अतिरिक्त अभी ये प्रक्रिया है, सतत जारी है और इन सभी को आइडेंटिफाई कर गिरफ्तार किया जाएगा और सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ ये जितने भी लोग हैं इनके खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाएगी, NSA के तहत कार्रवाई की जाएगी और इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं उनको भी जब्त किया जाएगा और एक बेसिस दिया जाएगा कि इस तरीके की कोई भी चीज़ टॉलरेट नहीं की जाएगी और इन सभी अभियुक्तों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी।